अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह था, जिसका असर फिल्म की कमाई पर देखने को मिल रहा है। बात करें पहले दिन की कमाई की, तो पहले दिन ही इस फिल्म ने 13 करोड़ 10 लाख की कमाई कर ली। आपको बता दें कि यह फिल्म इंडिया में 3000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने कोई भी पैसे नहीं लिए, बल्कि वो फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार होंगे। और इसी कारण से इस फिल्म का बजट मात्र 18 करोड़ रुपए है। बात करें फिल्म की, तो फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित है। फिल्म खुले में शौच करने को दर्शाती है। तो देखिए इस वीकेंड का कलेक्शन कैसा रहता है, और आगे की कलेक्शन जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।